इंडियन आर्मी कैंप भर्ती 2023। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू जॉब ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी कैंप भर्ती 2023 के बारे में, जहाँ पर इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर इस भर्ती के लिए खास बात यह कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं पास हैं और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं पास हैं और आप भी इंडियन आर्मी कैंप के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, साथ में यहां पर आपको इस भर्ती के लिए कब से कब तक और कैसे आवेदन करना है, साथ में यहां पर आपका इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी कैंट भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आर्मी कैंट के डिपार्टमेंट से 2023 के लिए नई भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पर सिंपली टाइप कर सकते हैं www.alljobgyan.com, जहां से आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आर्मी कैंटोनमेंट भर्ती को लेकर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि सर हमें भारतीय सेना की तरफ से आर्मी कैंटोनमेंट भर्ती के बारे में बताइए कि आखिर ये भर्ती कब तक में होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को बता दें, आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड के डिपार्टमेंट से LDC, प्लम्बर, टीचर, आया, हेल्पर एवं और भी विभिन्न सारे पदों पर सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में बात करें इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड के बारे में, तो ऑनलाइन का रहने वाला है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहां पर इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ की। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहां पर जनरल OBC के लिए 100 रुपये, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज में छूट की बात करें तो एज पर गोपिन रूल, जहां पर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके सिलेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, फिजिकल टेस्ट, साथ में एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें जहां पर इस भर्ती के लिए आपके फिजिकल टेस्ट डिटेल के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले आपकी हाइट मांगी जाएगी। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जहां पर हाइट मांगी जाएगी 157 सेंटीमीटर। वहीं बात करें इस भर्ती के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं ITI
पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें इस भर्ती के लिए आपके, अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें जहाँ पर इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 28 फरवरी 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको इस भर्ती के लिए 28 फरवरी 2023 के पहले आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।